यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वी यूज टू से इफ अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ विथ कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी एंड कॉन्स्टेंट लीनियर वेलोसिटी देन द मोशन ऑफ पार्टिकल वुड बी टर्म्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इफ ओमेगा इज कॉन्स्टेंट एंड वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट, हम इसे वेलोसिटी नहीं कहें, इट्स लीनियर स्पीड, इट्स स्पीड ऑफ पार्टिकल अलोंग द कर्व्ड पाथ, दिस वी इज इन फैक्ट अ लीनियर स्पीड, क्योंकि वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इस जगह पर वेलोसिटी की डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज होगी। एक कर्व्ड पाथ में, एक सर्कुलर पाथ में जब पार्टिकल मूव हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंट नहीं कही जाएगी, उसकी लीनियर स्पीड कॉन्स्टेंट कही जाएगी। दिस वी इज अ लीनियर स्पीड। यदि पार्टिकल कॉन्स्टेंट लीनियर स्पीड के साथ सर्कुलर पाथ में है, कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ वह सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो हम उस पार्टिकल की मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन सर्कुलर मोशन, इफ वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग एंड लीनियर स्पीड इज ऑल्सो वेरिएबल, हियर ओमेगा इज वेरिएबल with time and linear speed v is also variable with time. In that case, such a motion is termed as non-uniform सर्कुलर मोशन। अब मैं पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में ग्राफिकली इस कंसेप्ट को समझा देता हूं। वी यूज टू से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एंगल विथ टाइम फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दिस ओमेगा वुड रिमेन अ कॉन्स्टेंट, टाइम के साथ बिल्कुल भी ओमेगा चेंज नहीं हो रहा है। व्हाइल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम, इट्स लीनियरली इंक्रीजिंग। हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी इज डी थीटा बाय dt और d theta is omega dt, आई मे इंटीग्रेट इट ऑन बोथ द साइड्स, मैं इसे दोनों साइड से इंटीग्रेट कर सकता हूं। इंटीग्रल ऑफ d theta इज इंटीग्रल ऑफ ओमेगा dt। मैं जब इंटीग्रेट करता हूं तो इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन को जरूर लिखता हूं।
इनिशियली लेट अस से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, जैसा कि ग्राफ में भी मैंने ले रखा है, एंड फाइनली आफ्टर टाइम टी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा फ्रॉम जीरो टू टी टाइम। अब ओमेगा कांस्टेंट है इसलिए इसे इंटीग्रल साइन के बाहर लिखेंगे, ओमेगा कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रल साइन के बाहर दिखेगा, और डी थीटा का इंटीग्रल इट्स थीटा फ्रॉम जीरो टू टी फ्रॉम जीरो टू थीटा एंड ओमेगा एंड इंटीग्रल ऑफ डी टी इज टी फ्रॉम जीरो टू टी। डी थीटा का इंटीग्रल थीटा है एंड दिस थीटा इज वेरिंग फ्रॉम जीरो टू थीटा, ओमेगा इंटीग्रल साइन के बाहर है, डी टी का इंटीग्रल टी हुआ फ्रॉम जीरो टू टी, सो थीटा माइनस जीरो इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी माइनस जीरो, और थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। दिस इज फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का बढ़ता ही चला जाएगा टाइम के साथ लीनियरली, इनिशियली वह जीरो है तो वह लीनियरली इस तरह से इंक्रीज होता ही जा रहा है। ओमेगा कांस्टेंट है, लीनियर स्पीड कांस्टेंट है, वह कांस्टेंट लीनियर स्पीड के साथ में घूम रहा है। इस तरह की यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक फैन जो काफी लंबे समय से ऑन है और जो अभी आपके सर के ऊपर घूम रहा है, उस घूमते हुए फैन की इस समय जो कंडीशन है उसको आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही कहोगे। उसमें न तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है न ही एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही है, वह इस समय कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। जब आप स्विच ऑफ करोगे तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी धीरे धीरे कम होने लगेगी और वह धीरे धीरे कम होते हुए फाइनली रुक जाएगा। यदि आपने रेगुलेटर से उसकी स्पीड बाई 2 पॉइंट से 3 पॉइंट या 4 पॉइंट पर ले गए तो उसकी कुछ समय के लिए एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी, मगर यदि फैन लंबे समय से ऑन है तो उस फैन में किसी भी पार्टिकल का जो मोशन हो रहा है वह सर्कुलर मोशन है और वह यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को अभी हमें बड़े डिटेल में समझना है, पर उसके पहले क्यों ना हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए भी एक बेसिक टर्मिनोलॉजी जरूर समझ लें। देखिए हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मींस व्हेन एंगुलर वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग विद टाइम। यदि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा समय के साथ चेंज होने लगे तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। एंगुलर वेलोसिटी में इंक्रीज विद टाइम, एंगुलर वेलोसिटी में डिक्रीज विद टाइम। फॉर एग्जांपल एक फैन जो रेस्ट पर है उसको आपने जैसे ही स्विच ऑन करा और वो जैसे ही घूमने लगा, घूमता हुआ वह फैन उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ने लगी। बढ़ती हुई यह एंगुलर वेलोसिटी इसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, या ऑलरेडी एक घूमता हुआ फैन है उसको आपने स्विच ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ करने पर उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होने लगी, कम होती हुई यह एंगुलर वेलोसिटी इसी को हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फॉर सच नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वी यूज फाइंड एंगुलर एक्सीलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, पार्टिकल सर्कुलर पाथ में है,
पाथ में इस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी समय के साथ चेंज हो रही है और नॉट एबल टू टॉक फॉर सच नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ द पार्टिकल वी यूज टू कंसेप्चुलाइज एंगुलर एक्सीलरेशन वी जनरली डिनोटेड बाय अल्फा एंड वी डिफाइन इट एज डी ओमेगा बाय डी टी. डी ओमेगा बाय डी टी एंगुलर एक्सीलरेशन इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. नाउ जिस तरह से हम लीनियर डायनामिक्स में एक्सीलरेशन डिफाइन करते हैं, पार्टिकल अपने पाथ में मूव कर रहा है और यदि उसकी लीनियर स्पीड लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो वह यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हुआ. मगर सर्कुलर मोशन में मूव करता हुआ या पार्टिकल यदि इसकी लीनियर स्पीड बढ़ने लगे या लीनियर स्पीड इसकी कम होने लगे तो हम कहते हैं कि उस पार्टिकल का एक्सीलरेशन हो रहा है, एंगुलर एक्सीलरेशन हो रहा है, उसका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है. Velocity is equal to omega r or omega is equal to v by r. This v is linear speed. This v is linear speed. और non-uniform circular motion में यह linear speed vary करेगी. We used to say dv by dt. This is rate of change of linear speed. This is rate of change of linear speed. किसी भी पार्टिकल की उसके कर्व्ड पाथ में जो लीनियर स्पीड है वह बदलेगी. And this rate of change of linear speed we denote it by AT and we call it tangential acceleration. हम इसे tangential acceleration कहते हैं. क्यों हम tangential acceleration कहते हैं मैं भी समझाऊंगा. This is termed as tangential acceleration. हम कहते हैं कोई सा भी पार्टिकल जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है उसके लिए कुछ ना कुछ एंगुलर एक्सीलरेशन टर्म डिफाइन करा जाएगा. क्योंकि उसका ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, उसका ओमेगा टाइम के साथ चेंज हो रहा है और टाइम के साथ जिस भी तरह से ओमेगा चेंज हो रहा है दैट वुड बी एक्सप्रेस्ड लाइक दिस डी ओमेगा बाय डी टी. वी कॉल इट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. And this rate of change of angular velocity is angular acceleration. यदि angular velocity बढ़ रही है तो यह angular acceleration positive होएगा. यदि angular velocity कम हो रही है तो यह angular acceleration negative होएगा. यदि हमने fan को switch on करा तो उसकी angular velocity बढ़ेगी और जब उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी तो हम कहेंगे उसका एंगुलर एक्सीलरेशन हो रहा है. अल्फा की वैल्यू एंगुलर एक्सीलरेशन पॉजिटिव है. लेट मी राइट इट. इफ
ओमेगा इंक्रीजेस विथ टाइम डी ओमेगा बाय डीटी वुड बी अ पॉजिटिव वैल्यू, अल्फा वुड बी अ पॉजिटिव वैल्यू एंड इट्स एंगुलर एक्सीलरेशन The example is when fan switched on, the fan ko on kar rahe ho aap, that is angular acceleration. While if omega decreases with time, यदि omega time के साथ कम होता जा रहा है, in that case, this d omega by dt would be a negative value. ये जो d omega by dt है, rate of change of omega would be negative value. Thus alpha would be a negative value. और इस situation को हम कहते हैं its angular deceleration. ये deceleration हो रहा है, धीमा हो रहा है. Its angular deceleration. And the example is when fan switched off, when fan is switched off, this is that situation. They are non-uniform circular motion. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी दो कंडीशन बन सकती हैं, आइदर दिस अल्फा मे बी कॉन्स्टेंट और दिस अल्फा मे बी वेरिएबल. या तो यह अल्फा की वैल्यू बिल्कुल कॉन्स्टेंट रह सकती है या फिर इस अल्फा की वैल्यू वेरी कर सकती है. मैं दोनों ही सिचुएशन को समझाता हूं. सबसे पहले If alpha is a constant, इसी non-uniform circular motion में यदि alpha constant रहता है तब हम तीन equations बिल्कुल वैसे ही बना सकते हैं जैसी हमने motion in one dimension में बनाई थी constant acceleration के लिए. Recall करो, constant acceleration के लिए जिस तरह से हमने मोशन इन वन डायमेंशन में तीन इक्वेशन लिखी थी, कौन कौन सी तीन इक्वेशन? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन हमने लिखी थी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस. बिल्कुल उसी तरह से हम सर्कुलर मोशन में भी कॉन्स्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन के लिए एनालॉगस तीन इक्वेशंस लिख सकते हैं. मैं इसी समय वहां तीनों इक्वेशन ऑब्टेन करता हूं और लिखता हूं. इफ अल्फा इज अ कॉन्स्टेंट, यदि सर्कुलर मोशन के दौरान एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा कॉन्स्टेंट रहता है तब अल्फा इज डी ओमेगा बाय डी टी. फ्रॉम दिस इक्वेशन आई कैन राइट डी ओमेगा इज अल्फा डी टी. मैं डी टी को ऊपर ट्रांसपोर्ट कराऊं और डी ओमेगा इज अल्फा डी टी. नाउ
integrate it on both the sides, d omega is equal to integral of alpha dt. D omega is equal to, now alpha is a constant, integral of dt. I put the limits. Since alpha is a constant, it's the integral sign ke bahar aa gaya. At zero time, let us say initial angular velocity is omega naught, and after some time t, the final angular velocity becomes omega. Integral of d omega is omega from omega naught to omega, and integral of dt is t from 0 to t. मैं अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करता हूं ओमेगा, लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करता हूं ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा, लोअर लिमिट टी, अपर लिमिट टी, लोअर लिमिट जीरो, एंड लाइक दिस ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा टी, और ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन when alpha is a constant. Omega is equal to omega naught plus alpha t. This equation is exactly analogous to the first equation of motion in 1D. जो हमने motion in 1D की first equation लिखी थी, बिल्कुल उसके analogous है. V is equal to u plus at. V is final velocity, here omega is final angular velocity. U is initial velocity, here omega naught is initial angular velocity. A acceleration होता है, इधर alpha angular acceleration. T is time. अब for this equation one can always plot a graph. हम omega versus t का graph भी जरिए बना देते हैं. For constant alpha, I can plot omega versus time either like this or like this or like this. There are three possible graphs for this equation. At zero time, the angular velocity is omega naught. Zero time पर यह जो angular velocity है यह omega naught है. यदि अल्फा पॉजिटिव है, मतलब यदि एंगुलर एक्सीलरेशन हो रहा है, तो ओमेगा टाइम के साथ ऐसे बढ़ता ही जाएगा. यदि अल्फा नेगेटिव है, मतलब कि यदि एंगुलर डिसीलरेशन हो रहा है, तो ओमेगा टाइम के साथ इस तरह से कम होता जाएगा. और यदि अल्फा की वैल्यू जीरो है, मतलब कोई एंगुलर एक्सीलरेशन भी नहीं है और कोई एंगुलर डिसीलरेशन भी नहीं है, मतलब यदि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो वहां पर ओमेगा पूरी तरह से कांस्टेंट बना रहेगा. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन दैट वी मे ऑलवेज अप्लाई इन दिस सिचुएशन. For any body in circular motion, उसके लिए angular velocity और angular acceleration को इस तरह से relate कर सकेंगे. This is a situation of non-uniform circular motion, but with constant angular acceleration. अब मैं दूसरी equation obtain करता हूं. Particle is circular, घूम रहा है. अब हम एवरेज एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन करते हैं. एवरेज एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन करने के दो तरीके हैं. एवरेज एंगुलर वेलोसिटी,
इसका एक तरीका है टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा अपॉन टी, थीटा इज टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड टी इज टोटल टाइम। नाउ आई से दिस इज अ जनरलाइज्ड डेफिनेशन व्हिच इज ऑलवेज एप्लीकेबल। यह जो मैंने लिखी है यह एक जनरलाइज्ड डेफिनेशन है, एक जनरलाइज हो हमेशा अप्लाई होती है, ऑलवेज एप्लीकेबल, इट्स ऑलवेज एप्लीकेबल। ऐसा कभी होता ही नहीं है कि यह इक्वेशन आप कभी नहीं लगा सको, तो हर केस में हर सिचुएशन में लगा सकते हो। बॉडी की कैसी भी मोशन हो रही हो, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म में चाहे कांस्टेंट अल्फा हो, चाहे वेरिएबल अल्फा हो, चाहे अल्फा पॉजिटिव हो, चाहे अल्फा नेगेटिव हो, चाहे वो बीच बीच में रुक रुक के अटक अटक के चल रही हो, जिसी भी चल रही हो, ये डेफिनेशन हमेशा लगेगी। अब मैं एक स्पेशलाइज्ड डेफिनेशन बताता हूं। यह डेफिनेशन सिर्फ तभी अप्लाई होती है जब कांस्टेंट अल्फा, यदि कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन होगा तभी आप इस डेफिनेशन को लिख सकोगे, एंड दैट डेफिनेशन इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस फाइनल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टू। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी यह एक डेफिनेशन है, इट्स एप्लीकेबल ओनली इफ कांस्टेंट अल्फा, only if constant alpha or omega versus time is linear। यह जो definition है सिर्फ तभी apply होती है। Average angular velocity is initial angular velocity plus final angular velocity divided by 2, initial plus final velocity upon 2। ये डेफिनेशन हमेशा अप्लाई नहीं होती है, इसकी एक कंडीशन है, एंड दैट कंडीशन इज कि अल्फा कांस्टेंट होना चाहिए। यदि अल्फा कांस्टेंट नहीं है तो आप इस डेफिनेशन को कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते। यदि अल्फा कांस्टेंट होगा तो ओमेगा वर्सेस टाइम लीनियर होगा ही, तो ओमेगा वर्सेस टाइम लीनियर है तो ऑटोमेटिकली अल्फा कांस्टेंट, अल्फा कांस्टेंट है तो ऑटोमेटिकली ओमेगा वर्सेस टाइम लीनियर, तब यह डेफिनेशन हम अप्लाई करेंगे। अब हम कहते हैं अभी जो कंडीशन हम ले रहे हैं वो अल्फा कांस्टेंट की ही ले रहे हैं, कांस्टेंट अल्फा पर यह डेफिनेशन से एंगुलर वेलोसिटी आएगी और इस डेफिनेशन से भी एंगुलर वेलोसिटी आएगी। सिंस वी आर कैलकुलेटिंग द सेम क्वांटिटी फ्रॉम टू डिफरेंट कंसेप्ट, दैट वैल्यू, द वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी शुड कम आउट टू बी सेम। हम एवरेज एंगुलर वेलोसिटी जो इस कंसेप्ट से कैलकुलेट कर रहे हैं थीटा अपॉन टी, दैट शुड बी इक्वल टू एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेटेड बाय दिस कंसेप्ट। ये डिफर नहीं करना चाहिए, इसे सेम होना चाहिए। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज थीटा बाय टी बाय दिस कंसेप्ट, एंड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बाय दिस कंसेप्ट इज ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा बाय टू। अब Now what I do? Omega naught तो ऐसा कैसे लिखा नहीं लेता हूं, और omega की जगह पर मैं यह लिख देता हूं omega naught plus alpha t। Omega की जगह पर मैंने लिख दिया omega naught plus alpha t by 2। मैं t को ऊपर ले जाता हूं 2 omega naught by 2 omega naught t plus half अल्फा टी स्क्वायर।
this is our second equation. यहां first equation थी और यहां second equation. It's exactly identical to that equation of motion in 1D for constant acceleration. S is equal to ut plus half a t square. बिल्कुल उसके analogous है. S की जगह पर angular displacement, वहां S linear displacement होता था, यहां theta angular displacement है. Is equal to ut. Ut की जगह omega not t. वहां u initial velocity होता था, यहां पर ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी. इज इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर होता था प्लस हाफ एटी स्क्वायर या हाफ अल्फा टी स्क्वायर. वहां ए एक्सीलरेशन होता था, यहां अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन. द इक्वेशन इज आइडेंटिकल और एनालॉगस. अब इसके बाद में थर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन एट कॉन्स्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन वह ऑब्टेन करूंगा. थर्ड इक्वेशन ऑब्टेन करने का तरीका साधारण सा है. पहली इक्वेशन को हम स्क्वायर कर देते हैं और उसमें दूसरी इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, हम इसे स्क्वायर कर देते हैं. ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी होल स्क्वायर, पहली इक्वेशन को स्क्वायर कर दिया और इसमें अब दूसरी इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. देखिए किस तरह से ओमेगा स्क्वायर, दिस इज ए प्लस बी होल स्क्वायर. ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. मैं वही कंसेप्ट लगा रहा हूं. ओमेगा स्क्वायर प्लस टू ओमेगा नॉट अल्फा टी प्लस अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर. इस तरह से मैंने फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर कर दिया और ओमेगा स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही लिखा रहने देता हूं. अब मैं इधर से टू अल्फा कॉमन निकाल लेता हूं इन दोनों टर्म से. जब मैं 2 अल्फा इधर से कॉमन निकालूंगा तो पहली टर्म में ओमेगा नॉट टी बचा हुआ दिखेगा और दूसरी टर्म में 2 है ही नहीं तो इधर मैं 1 बाय 2 लिख देता हूं. एक अल्फा बाहर चला गया और टी स्क्वायर अंदर रह गया. ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर दिस थीटा. और इस तरह से मुझे थर्ड इक्वेशन मिल गई. दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन एट कॉन्स्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन. हम कहते हैं, अब मैं तीनों ही इक्वेशन को एक साथ लिख देता हूं. यदि कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रही है, उसका कुछ एंगुलर एक्सीलरेशन है एंड इफ एंगुलर एक्सीलरेशन इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू देन वन कैन ऑलवेज राइट दिस थ्री इक्वेशंस. रटने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि हमें ऑलरेडी इस तरह की इक्वेशन मोशन इन वन डायमेंशन में कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन के लिए देख रखी है, इसलिए ऑलरेडी पता है. दिस आर द थ्री इक्वेशंस. नाउ while solving the problems you would need to apply these three equations.
प्रॉब्लम में जब भी कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन दे रखा है तो आप इन तीनों इक्वेशन को जरूर अप्लाई